हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन लेटेस्ट किटी पार्टी हम आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हाउस लेकर आई जैसा कि वैलेंटाइन डे आने वाला है तो उसी से मैं आपको आज एक हाउस बताऊंगी जो अपनी वैलेंटाइन थीम पे आप इस हाउस को कराइए सभी मेंबर्स इस गेम को एन्जॉय करेंगे फ्रेंड्स एक ऐसा हाउस है जिससे बिना काउंटर्स के और बिना टिकट्स के हम खेलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हाउस है और बहुत मजेदार हाउस है इसे खेलने में सभी मेंबर्स इन्जॉय करेंगे फ्रेंड्स गेम शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए उसके पास आएगा एक बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे सबसे पहले न्यू और लेटेस्ट वीडियोस आप देख सकें तो फ्रेंड्स यहां पे आपको क्या करना है हर मेंबर को जैसे कि वैलेंटाइन थीम रखी है तो हर मेंबर को एक एक हार्ट की ऐसे आप घर से टिकट बना के लाइए सिंपल इस तरीके से हार्ट बना के लाइए और एक एक हार्ट सब मेंबर को दे दीजिए उसके बाद आपको मेंबर से कहना है कि हार्ट पे उसे अपना नाम लिखना है जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जैसे कि उसने अपना नाम लिखा हार्ट पे सोनिया उसके बाद जितने भी हमारे डेज होते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ हग डे है लव होता है प्रपोज डे होता है किस डे होता है प्रॉमिस डे होता है चॉकलेट डे वैल्टाइंस डे और टेडी डे वो इसमें से कोई भी डे सेलिब्रेट कर सकता है उसे जो डे सेलिब्रेट करना है जैसे कि सोनिया को सेलिब्रेट करना है प्रपोज डे नहीं सोनिया को टेडी डे सेलिब्रेट करना है तो वो टेडी लिख लेगी अपनी टिकट में उसके बाद उसे क्या करना है वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी जैसे उसने अपने हस्बैंड का नाम लिखा राजीव उसके बाद ये लिखने के बाद आपको हर मेंबर से कहना है पहले अपना नाम लिखेंगे और एक डे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी डे उनको लेना है उस डे को लिखना है उसके बाद अपने हस्बैंड का नाम उसके बाद उन्हें लिखना है जिस मंथ में उनकी एनिवर्सरी डेट आती है जिस मंथ में मतलब उनकी मैरिज हुई थी तो जैसे इसकी मैरिज हुई थी अक्टूबर तो ये लिखेगी अक्टूबर में तो आप देख सकते हैं अब ये हमारी टिकट बन के हो गई है तैयार तो अब एक टिकट ये हो गई है एक टिकट मैंने यहां पे पहले से ही तैयार करके रखी है आप देख सकते हैं दो और एक टिकट मैंने ये तैयार करी यहां पे मैंने तीन ये मैं स्लिप जरा साइड से कर देती हूं ये मैंने यहाँ पे तीन टिकट तैयार करी है आप देख सकते हैं ये तीन टिकट मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है इस तरीके से आप तीन टिकट बना लीजिए मतलब जितने मेंबर्स हैं उतने मेंबर हर मेंबर को एक एक हार्ड दे देना है उसके बाद उन्हें कहना है कि वो कोई भी डे अपनी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जैसे सोनिया ने लिखा है टेडी नेहा ने लिखा है प्रोमिस राखी ने लिखा है हक डे इस तरीके से एक एक डे सबने लिख लिया अब उसके बाद क्या करना है जैसे कि हाउस ही है तो हम इसमें डिविडेंड्स रखेंगे जैसे हम डिविडेंड्स रख सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब चार तो हम ये रख सकते हैं वन टू थ्री फोर्थ और एक रख सकते हैं फुल मतलब जो हमारे ये फुल हो गए तो जैसे कि ये हमारे फुल हो गए अब होस्ट को क्या करना है वो बोलेगा कैसे उसने बोला ए जिसके भी में भी ए होगा वो ए कट कर लेगा जैसे सोनिया में ए है राजीव में ए है यहाँ पे राखी में ए है और यहाँ पे प्रॉमिस संजय में ए है ये है अप्रैल में और ये नेहा में तो ये वाला ए में यहां रख दूंगी नेक्स्ट स्लिप ओपन करी हो उसने बोला आर तो आर जैसे राखी में है रोहित में है और इसमें नहीं है आप इसमें देख सकते हैं प्रोमिस में आर है और इसमें अप्रैल में आर है सोनिया में आप देख सकते हैं राजीव में आर है और अक्टूबर में आर है तो ये हमारा हो गया आर तो फ्रेंड्स इसमें आप डिविडेंड्स इस तरीके से भी रख सकते हैं जिसके पहले सेवन नंबर सेवन अल्फाबेट्स कंप्लीट होते हैं ऐसे अर्ली सेवन हम उसमें रखते हैं इसमें आप अर्ली सेवन रख सकते हैं जिसके पहले सेवन अल्फाबेट्स कंप्लीट हो जाएंगे एक डिविडेंड आप वो रख सकते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से डिविडेंट सकते हैं अर्ली सेवन और एक जिसका मेंबर uh, का नाम कम्प्लीट हो जाएगा एक जिसका डे कम्पलीट होगा एक पूरा जिसके हस्बैंड का नाम कट जाएगा एक जिस, जो मंथ कम्पलीट हो जाएगा और एक पूरा हाउस रखेंगे जिसकी चारों चीजें कम्प्लीट हो जाएंगी तो यहाँ पे जिसके सेवन हो जाएंगे वो सबसे पहले बोल देगा वाया हमारा ओ तो ओ यहाँ पे ये अक्टूबर में इसमें है इसमें है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हो गए इसके हो गए अर्ली सेवन तो ओ यहाँ पे रोहित में भी है लेकिन इसके सेवन अल्फाबेट्स कंप्लीट नहीं हुए इसके हो गए सेवन तो इसको मिल जाएगा अर्ली सेवन का प्राइस अब नेक्स्ट ये जिसका जो भी कटेगा वो आपको उसको प्राइस देना है तो इसी तरीके से आप अल्फाबेट बोलते जाइए जिस भी मैंबर का जो नाम कम्प्लीट होता जाएगा वो बोलता जाएगा जिसकी टिकट पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसका हाउस मानिए इस तरीके से खिलाइए बहुत मजा आता है वैलेंटाइन की हाउसी होती है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होती है आप अपनी किटी पार्टी में जरूर इसे थीम में रखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी हाउसी कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा थैंक यू फ्रेंड्स